عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصديا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. پڑھ کے سینے ٹھنڈ پیندی پڑھ کے سینے ٹھنڈ پیندی بڑی پرتاثیر
किताब कुरान हर हरफ जवाहिर मोती है। बड़ी आलमगीर किताब है कुरान, जी जियां ऐतां दिलां नूं ठंड पावन, अखियां दा नील किताब कुरान है। मोजज़ा पाक मुहम्मद दा अनमोल बशीर किताब है कुरान, जिने उमर दा दिल हिला छड़िया कुरान दी अजमत क्या दसा, जिने सुनिया ओ रह ना सकिया इनू पुरतासीर दुआ दसा। हर किस्म दी हमदो सना अल्लाह जल्ला जलालहू वास्ते अनगिन बेशुमार ला तादाद दरूदो सलाम आकाए दो जहां इमामुल अंबिया हबीबे खुदा इमामुल हरमैन सैयदुस साकालैन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल्लिल आलमीन मेरे और तुहाडे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम दी जाते अकदस व अतहर व बालाते। अजीज भाइयों, मोहसिन बुजुर्गों और दोस्तों, काबिल सज एहतराम मुअज्जिज़ात माओ और बहनों, जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम दिनों दे विचों आज दे दिन जुमातुल मुबारक नू अजमत फजीलत शान और मुकाम अता फरमाया, इसे तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारिया रातां दे विचों लैलतुल कदर नू अजमत शान और मुकाम अता फरमाया। जिस तरह लैलतुल कदर नू रातां चो अजमत मिली, इसे तरह पत्थरां दे विचों अल्लाह ने हजरे असवद नू अजमत शान और मुकाम अता फरमाया, और इसे तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम पानिया दे विचों जम जम दे पानी नू अजमत फजीलत मुकाम अता फरमाई है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी कायनात दे विचों अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू अजमत अता फरमाई, और फिर सारे अंबिया दे विचों अल्लाह ने मेरे और तुहाडे महबूब पैगंबर आमीना दे लाल साहिबे शर्फो कमाल जनाबे सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम नु अजमत शान मुकाम मर्तबा अता फरमाया। और जिस तरह अल्लाह ने अंबिया दे विचों मेरे महबूब अली सलातु व सलाम नू आला बनाया, इसे तरह अंबिया अली सलातु व सलाम ते जितनिया किताबा नाजल होइया उन सब मुनज़्ज़ल मिनल्ला किताबा दे विचों अल्लाह ने सब नालों अजीम किताब कुरान मजीद नू बनाया, कुरान मजीद नू अजमत शान मुकाम अता फरमाइए। हजराते भी वकार, मैं समझदा कि दुनिया के अंदर जो अजमत जो शान जो मुकाम
जो फजीलत जो मर्तबा जो रुतबा अल्लाह ने कुरान पाक नू इता फरमाया और किसे किताब के हिस्से नहीं आया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून के इस कुरान नू नाज़ल भी असा कीता है और एदी हिफाजत का जिम्मा भी असी लिया है। हालात तौरात भी नाजल अल्लाह ने कीती है, जबूर भी अल्लाह ने नाजल कीती है, इंजील भी अल्लाह ने नाजल कीती है, सहीफे भी अल्लाह ने आसमान तो नाजल फरमाए, लेकिन कोई किताब कोई सहीफा ऐसा नहीं जेदे मुतालिक फरमाया होए कि इनू नाजल भी असा कीता है, एदी हिफाजत का जिम्मा भी असी उठाया। वाहिद अजीम किताब कुरान मजीद के फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून के असा ने इस किताब नु नाजल भी खुद कीता है और एदी हिफाजत भी असा ने खुद करनी है। हजरात दीवकार अगर इस कुरान मजीद की अजमत इस कुरान मजीद की शान इस कुरान मजीद की बड़ाई इस कुरान मजीद की अजमत के बारे इंसान बयान करना चाहे दिन बीत सकते ने रात गुजर सकदिया ने माहो साल गुजर सकते ने इंसाना दियां जिंदगियां खत्म हो सकदियां ने लेकिन कुरान की अजमत खत्म नहीं हो सकती, कुरान का मुकाम खत्म नहीं हो सकता। अज दे इस अजीम शान खुतबा जुमातुल मुबारक के अंदर मैं कुरान मजीद के उनवान विचों जिस उनवान नू तुहाडे गोश गुजार करना चाहना वह है कि तासीरे कुरान के कुरान की तासीर की है। हजरात इस मौजू नू अज बयान करने का लुपे लबाब तुसा समझ गया होगे कि पूरे मीडिया के उत्ते सोशल मीडिया के उत्ते और मैं सलाम पेश करदा मरकजी जमीयत आले हदीस और आले हदीस यूथ फोर्स के नौजवानों नू कि जिस तरह स्वीडन के अंदर हकूमती सरप्रस्ती के अंदर कुरान पाक नू जलाया गया इस कुरान पाक की बेहुरमती की गई अज पूरे मुल्क के अंदर इस कुरान की अजमत के बारे खुतबाते जुमातुल मुबारक का इनेकाद किया गया है। तासीरे कुरान मौजू बयान करन दा मैं इस वास्ते करना चाहना हुरमते कुरान ते मौजू ते बहुत सारी आयात और कुरान दिया आयात और नबी पाक सल्लम दी अहदीस मौजूद ने अजमत कुरान दा एक एक मौजू लिया जाए बात कुरान दी अजमत दी होए बात खत्म नहीं हो सकती, लेकिन तासीरे कुरान इस वास्ते बयान करना चाहना कि आखिर क्या वजह है कि यहूद नसारा और कुफार कुराने मजीद नू बार बार जलाने दी कोशिश करते ने एदी बेहुरमती करने दी कोशिश करते ने। असल बात यह है कि उन्होंने भी पता है कि कुराने पाक के अंदर अल्लाह ने ऐसी तासीर रखी है, कुराने पाक के अंदर अल्लाह ने ऐसी लज्जत रखी है कि जेड़ा भी एक बारा कुरान सुन लेंदा है फिर कुरान तो पीछे हटदा कुरान नू समझ लै बंदा समझन वाला होए कि कुरान कहंदा की है कुरान साडे नाल मुखातब की है। इंसान जदों सोच के कुरान पढ़दा है फिर इंसान दी जिंदगी बदल जांदी है। उठाइए तारीख इस्लाम दे अंदर कितनियां ऐसियां हस्तियां ने कि जिन्हां ने कुरान सुनिया फिर कुरान ने उन्हां दे दिलां ते असर कीता है। फिर है वह हबशे दे गुलाम सन रंग दे काले मोटे होंठ लेकिन इस कुरान दे असर दी वजह नाल अल्लाह ने कायनात दे इमाम बना छड़े। हजरात आइए अल्लाह ने कुरान दी अजमत और एक बात और समझिए कि जिस तरह इंसान दुनिया दे अंदर पैदा हुंदा है इंसान दा जिस्म अल्लाह ने बनाया भी मट्टी चो है ते एदी खुराक भी अल्लाह ने मट्टी चो पैदा कीती है। इसे तरह इंसान दे अंदर दूसरी चीज रूह हुंदी है, रूह आई भी आसमाना तो ते एदी गजा एदी खुराक भी अल्लाह ने आसमान तो ही नाज़िल फरमाइए। ए बात समझिए ते बात आगे चलाइए। कुरान पाक ऐलान करदा है इंसान दी तखलीक के इंसान नु अल्लाह ने मट्टी चो पैदा कीता है, खून एक कतरा पानी दा गंदा कतरा फिर इंसान पैदा होया ओदी सारी इस आयात के अंदर अल्लाह ने खुलासा कीता है। अल्लाह कोलो दुआ है अल्लाह मैनू ते तुहानू कुरान दी सच्ची और पक्की मुहब्बत नसीब फरमा छ।
ਸਾਡੇ ਕੁਰਾਨ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਮ ਨੇਮਤ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ ਮੈਂ ਤੇ ਯਹੂਦੋ ਨਸਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਦੁੜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋਣਾ ਯਾਰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ ਇੱਕ ਆਇਤ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਅੱਲਾਹ ਤੈਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਛੱਡੇਗਾ ਮਸਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਈ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨੇ ਨਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਲੋਗੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਕੁਰਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ ਅੱਲਾਹ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੱਟਾ ਝਾੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਛੱਡੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸਾਇਬ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਈਏ ਬਾਤ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਬਣਾਇਆ ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਏ ਰੂਹ ਆਈ ਵੀ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਏ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਏ 18ਵਾਂ ਸਿਪਾਰਾ ਸੂਰਾ ਮੂਮਿਨੂਨ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਝੂਮ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਿਓ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਸਵਾਬ ਏ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਸਵਾਬ ਏ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਸਵਾਬ ਏ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਸਵਾਬ ਏ ਅੱਲਾਹ ਮੈਨੂੰ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਛੱਡੇ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾ ਦਿਓ ਫਰਮਾਇਆ ਲਕਦ ਖਲਕਨਲ ਇਨਸਾਨ ਮਿਨ ਸੁਲਾਲਤਿਨ ਮਿਨ ਤੀਨ ਸੁਮਾ ਜਾਲਨਾਹੁ ਨੁਤਫਤਨ ਫੀ ਕਰਾਰਿ ਮਕੀਨ ਸੁਮਾ ਖਲਕਨ ਨੁਤਫਤਾ ਅਲਕਤਨ ਫਖਲਕਨ ਅਲਕਤ ਮੁਜ਼ਗਤਨ فخلقنا المزغة عظاما فقسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين فرمایو لقد خلقنا الانسان من سلالہ من طین انہاں دا مفہوم اے وے اللہ فرماندے نے اے انسان کدی اپنی تخلیق تے غور کرنا اے اسی تینوں پانی دے اک گندے قطرے توں پیدا کیتا اے تیری تخلیق پھر اسی تیری ماں دے پیٹ اندر ذریعہ بنایا تیری پرورش دا اے پھر اس پانی دے قطرے توں ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਬਣਿਆ ਏ ਫਿਰ ਖੂਨ ਦੇ ਕਤਰੇ ਤੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਲੋਥੜਾ ਬਣਿਆ ਏ ਫਿਰ ਬਣਦਾ ਬਣਦਾ ਏ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਬਣਾਏ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਨੱਕ ਬਣਾਇਆ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਹੁਸੀਨ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਏ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਬਣਾਏ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਬਣਾਏ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਲਕਦ ਖਲਕ ਨਲ ਇਨਸਾਨ ਮਿਨ ਸੁਲਾਲਤਿ ਮਿਨ ਤੀਨ ਸੁਮ ਜਾਲਾ ਨੁਤਫਤਨ ਫੀ ਕਰਾਰਿ ਮਕੀਨ ਸੁਮ ਖਲਕਨ ਨੁਤਫਤਾ ਅਲਕਤਨ ਫਖਲਕਨ ਅਲਕਤ ਮੁਜ਼ਗਤਨ ਫਖਲਕਨ ਮੁਜ਼ਗਤ ਇਜ਼ਾਮਨ ਫਕਸੌਨ ਇਜ਼ਾਮ ਲਹਮਾਇ ਸੁਮ ਅਨਸ਼ਅਨਾਹੁ ਖਲਕਨ ثم انشانا هو خلقا اخر فتبارك الله اے انسان اے ساری تیری تخلیق دے مراحل کر ادا کرن والا کون ہے بولو کون ہے ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਏ ਅੱਲਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਛੱਡੇ ਅੱਲਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਛੱਡੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਏ ਆ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਏ ਫਤਬਾਰਕ ਲੰਘ ਹੋਏ ਅਹਸਨੁਲ ਖਾ
मालिकीन। पता लग्या इंसान बनिया मट्टी तो है ते एदी खुराक भी रब ने मट्टी चो पैदा की है, और खुराक कितों अल्लाह ने पैदा की है मट्टी दे विचों। एदी दलील की है फरमाया अल्लाह सी जाला लकुम अर्ज़ा फिराशन व समा बिनान व अंजल मिन समा ईमान व अखरज बी मिन समराति रिज़्क लकुम फला तजालु लिल्लाहि अंदादन व अंतुम ला तालमून। इंसान बनया मट्टी चो, एदी खुराक का बंदोबस्त अल्लाह ने मट्टी चो कर दिता है। अल्लाह सी जाला लकुमुल अर्ज़ा फिराशा, ओ इंसान मैं रब ने तेरे वास्ते जमीन नू फर्श बनाया है। अल्लाह सी जाला लकुमुल अर्ज़ा फिराशा व समा बिनाए, मैं आसमान नू तेरे वास्ते छत फिर इस जमीन दे विचों मैं तेरे वास्ते खुराक का बंदोबस्त किया, किते अंबां दी शक्ल अंदर, किते केलियां दी शक्ल अंदर, किते सब्जियां दी शक्ल अंदर, किते तरकारियां दी शक्ल अंदर। वअंज़ला मिनस समाई मान फअखरज बिही मिनस समराति रिज़्क लकुम फला तजअलु लिल्लाहि अंदादन वअंतुम तअलमून। पता चलिया इंसान बनिया मट्टी चो है ते एदी खुराक का बंदोबस्त भी, बोलो एदी खुराक का बंदोबस्त भी रब ने मट्टी चो कीता है। ते दूसरी इंसान दे अंदर जड़ी चीज है ओदा नाम है रूह, ते रूह आई भी आसमाना तो ते एदा रिजक भी रब ने आसमाना तो भेजे है। दलील की है फरमाया अल्लाह दा कुरान फरमाया वाया सालू नका अनिरो, ऐ सोने पीर मुहम्मद मेरे सोने महबूब पैगंबर आ तेरे कोलो मक्के वाले सवाल करते ने यहूदियां दे पिछे लग के, तेरे कोलो पुछदे ने के वाया सालू नका अनिरो रूह की चीज है, ते सोने इन्हां नूं दस दे के रूह जिहड़ी है कोले रूह मिन अमरे रबी, ए मेरे रब दा अमर है, मेरे रब दा हुक्म है, आसमान तो रूह आई है। अल्लाह सोने जिस तरह साडा जिसम तू बनाया मट्टी चो है एदी खुराक दा बंदोबस्त भी तू मट्टी चो कर दिता है। अल्लाह सब्जियां अल्लाह तरकारियां ये सारा कुछ बंदोबस्त साडे जिसम दी खुराक जिहड़ी है मट्टी चो पैदा कर दिती है। अल्लाह रूह जिहड़ी है तेरा अमर आसमान तो आइए, अल्लाह इस रूह की खुराक की है। फरमाया तबारक अल्लज़ी नज़ल अल-फुरकान अला अब्दी, मैं आसमान तो इस रूह की गजा कुरान मजीद नाजल कर दिता है, कुरान पाक नू इस रूह की गजा बना दिता है। तबारक अल्लज़ी नज़ल अल-फुरकान अला अब्दी लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। पता लगा दो चीजा इंसान दे जिस्म अंदर, एक जिस्म अल्लाह ने मट्टी तो बनाया है,
एदी खुराक दा बंदोबस्त भी अल्लाह ने मट्टी चो कीता है। दूसरा जिस्म दे अंदर रूह, रूह आई भी आसमाना तो, इस रूह दी खुराक दा बंदोबस्त भी अल्लाह ने आसमान तो कीता है। कुरान पाक दी शक्ल अंदर इस रूह दी गुजाए, अगर कुरान पढ़ोगे रूह नु तस्कीन मिलेगी, कुरान पाक पढ़ोगे राहत महसूस करोगे, कुरान पाक पढ़ोगे परेशानियां दूर होंदियां ने। इस कुरान नु रब ने शिफा भी बनाया ते बोलो रहमत भी, रामत भी बनाया। हजरात आइए मैं दसना चाहना है, अज कुरान पाक की तुहीन करन वाले समझते ने कि असा कुरान की तुहीन करते हैं, लोगों के दिल अंदरों कुरान की मुहब्बत दूर हो जाएगी। मैं कहना वो समझ गए, काफर समझदा है कि जेड़ा बंदा कुरान सुन लेंदा है ओदे ते कुरान असर करदा है, जेड़ा कुरान पढ़ लेंदा है ओदे ते कुरान असर कर कुरान दी तस्वीर। लेकिन मुसलमान मैं सदके जावा, इन्हां मुसलमाना तो असी कुरान पढ़ते भी हाँ, कुरान फिर भी साढ़े ते असर नहीं करता है। काफर समझदा है कुरान असर करता है, असल वजह ए वे कि असी कुरान नू समझ के नहीं पढ़ते, असी कुरान नू समझ के पढ़ना छड़ दिता है। कुरान दियां बरकतां साढ़े तो उठ गई, आओ जाते हैं जाते हैं इस कुरान दी तुहानू अजमत सुना जावे। मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु तआला नो इस रवायत दे रावी ने फरमांदे ने, आमीना दे लाल अलैहि सलाम फरमांदे ने, कुरान पाक हजे दुनिया ते नहीं आया बल्कि आका अलैहि सलाम फरमांदे ने अल्लाह ने हजे जमीन भी नहीं बनाई, जमीन दे उते मेखा बना के पहाड़ां नूं भी नहीं लगाया, अजे आसमान भी मर्द वजूद अंदर नहीं आया, अजे समंदर भी नहीं बने, अजे दरिया भी नहीं बने, जमीनों आसमान दा निजाम भी नहीं बने। इस जमीनों आसमान दे निजाम बनन तो 1000 साल पहले अल्लाह ने अपने फरिश्तियां नूं इकट्ठिया कीता है, ते अल्लाह ने फरिश्तियां नूं कठियां करके ते सूरह यासीन दी तिलावत सुनाइए। सूरह यासीन 1000 साल पहले जमीनों आसमान नहीं बनिया, रब ने कुरान दी असमत नू बुलंद कर दिता है। और स्वीडन वाले यहूदो नसारा तुसी इस कुरान दी तुहीन करना चाहते हो, जिस कुरान नू रब ने जमीनों आसमान बनन तो पहला 1000 साल पहले इस कुरान दी सूरह यासीन अल्लाह ने फरिश्तियां नू सुनाई है। अल्लाहु अकबर अल्लाह मैं कहा करदा है, आज कुरान मैं मिंबर ते खड़ा होके सुनावा, कारी साहब मुसल्ले ते खड़े होके सुनाना है, ते या साड़ी जमात दा कोई खतीब सोनी आवाज अंदर कुरान पढ़े। असी आने वाह वाह कारी साहब ने किन्ना प्यारा कुरान पढ़े है, दिल मसरूर हो गया है, दिल नु सुकून मिले है। लेकिन यार मैनू दसोना है, जिथे सुनन वाले सियापा होण, सुनान वाला अल्लाह दा नबी होवे, उत्थे कुरान असर क्यों ना करे। बल्कि इस तो भी अगे, जिथे कुरान सुनान वाला खुद रब होवे ते सुनन वाले फरिश्ते होण। मैं कहना एक शायर नाल ओ शेर लिखदा है, जिस रिहा अंदर जिस प्यार नाल ओ शेर ओ शायर पढ़ सकदा है, जिन्ने ओ लिखिया होए आम बंदा उंज नहीं पढ़ सकदा है। ते जिस रब ने कुरान नाजल कीता है, और रब 1000 साल पहले जमीनों आसमान दा निजाम बनन तो आ फरिश्तियां नू कठियां करके अल्लाह ने सूरह यासीन पढ़िए सुनाइए, ते फरिश्ते आपस दे अंदर गल्लां करदे ने, ओ यार ओ किड्डी सोहणी उम्मत होएगी जिहनू रब कलाम अता करेगा, ओ किड्डे सोहणे सीना होएगा जिस सीने ते किताब नाज़िल होएगी, ओ किड्डे खुश नसीब बंदे होणगे
जेड़े इस कुरान नू पढ़नगे भी इस कुरान नू सुनणगे भी ए कुरान दी अजमत ए कुरान दी शान ए कुरान दा मुकाम ए वनु नज़िलु मिनल कुरानी मा हुआ शिफाउं व रहमा कदी ए समझ के पढ़िया करना कुरान शिफा भी है कुरान रहमत भी है अल्लाह मैनू तेनू कुरान पढ़न दी तौफीक नसीब फरमाए गल सूरह यासीन दी होई है एक रवायत दे हवाले नाल मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत अनस रजी अल्लाह तआला नु इस रवायत दे रावी ने आका अली सलाम फरमांदे ने जिस तरह हर चीज दा दिल हुंदा है इंसानां दा दिल है जानवरां दा दिल है दरिंदियां दे दिल ने हर शै अंदर अल्लाह ने दिल रखिया है आ छोटी जिही कीड़ी जिहड़ी है जमीन ते चलदी है इहदे अंदर भी रब ने दिल रखिया है छोटा जिहा मच्छर है उहदे अंदर भी रब ने दिल रखिया है कितने ऐसे बिल्कुल हशरात छोटे छोटे दीवार ते पैं होना है इंज नजर भी नहीं आते खुरदबीना नाल वेखना पैंदा है उन्हां दे अंदर भी रब ने दिल रखिया है आका फरमांदे ने जिस तरह हर चीज दा दिल हुंदा है अल्लाह रब्बुल आलमीन वे वकल्बुल कुरान यासीन अल्लाह ने कुरान दा दिल सूरह यासीन नू बना दिता है इतनी अजीम किताब है कुरान मजीद इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफिज़ून ओए कुरान दी तुहीन करन वाले हो तुसी की कर सकदे हो आसमान वाल थुकोगे थुक तुहाडे मुंह ते पैगा इस कुरान दी हिफाजत दा जिम्मा अल्लाह ने ले लिया है क्यों डरदे हो इस वास्ते डरदे ने कि कुरान दिलां ते असर करदा है कुरान दी तासीर बड़ी है हजरात आइए ना मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका अली सलातो व सलाम एक दिन मां दी सैयदा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रजी अल्लाह तआला अन्हा मेरे आका अली सलातो व सलाम मां जी आयशा दे नाल इंज गली दे विचों गुजर रहे गली दे विचों ते गली दे अंदर हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला अन्हा दा भी घर आंदा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मां जी सैयदा आयशा दे नाल जा रहे ने जांदियां जांदियां अबू मूसा अशरी दे घर अगों गुजरे ना है ते अंदरों हजरत अबू मूसा शरी रजी अल्लाह तआला नो कुरान दियां तिलावतां कर रहे ने ते आवाज बार गली अंदर आ रही है इतनी प्यारी आवाज हजरत अबू मूसा दी मेरे आका रुक गए ते मां जी आयशा दे कदम भी रुक गए मेरे आका ने तिलावत सुनी है अबू मूसा दा कुरान मेरे आका ते मां जी आयशा बार खड़िया हो गए सुन रहे ने कितनी देर मेरे नबी हजरत अबू मूसा दा कुरान सुनदे रहे ते मां जी आयशा भी सुनदियां रहियां ते मेरे आका फरमांदे ने आयशा तेनू पता है अबू मूसा नू अल्लाह ने हजरत दाऊद दे तरन्नम दे विचों कुछ तरन्नम अता कर छड्डे ने इतनी प्यारी आवाज अबू मूसा दी ते हजरत दाऊद अलैहि सलातु व सलाम कितनी प्यारी आवाज अल्लाह ने अता की है कि हजरत दाऊद जो जबूर दी तिलावत करया कर दे अल्लाह दी कसम जंगलां दे दरिंदे सुनन वास्ते आ जांदे शेर सप ते टूए इंज दाऊद अली सलातो सलाम दे इर्द गिर्द बह जांदे हजरत दाऊद जबूर दी तिलावत कर दे इंसान ते दूर दी गल दरिंदे बह के हजरत दाऊद दी जबूर दी तिलावत सुन दे बल्कि इस तू अगे मैं पढ़े आए हजरत दाऊद जबूर दी तिलावत पत्थरां दे कोल जाके कर दे ते पत्थर जूम उठ दे
पत्थर झूम जांदे। इतनी प्यारी आवाज अल्लाह ने हजरत दाऊद नु दिती है ते फरमाया आयशा अबू मूसा नु अल्लाह ने हजरत दाऊद दे तरनमा विचों कुछ तरनमता कर छड़े। रात गुजरी है सुबह होई ना है, मेरे आका जा रहे ने ते रस्ते अंदर अबू मूसा अशरी मिल गए। मेरे आका फरमांदे ने अबू मूसा काश तेनु पता हुंदा जिदो तू राती कुरान पढ़ता सी मैं मुहम्मद ते आयशा तेरा कुरान सुनदे रहया। मैं ते आयशा तेरा कुरान सुनदे रहया। यार किन्नी अजीम मस्ती अबू मूसा दी जेड़ा कुरान घर दे अंदर बैठ के पढ़े ते सुने मेरा नबी ते मां जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ते हजरत अबू मूसा अशरी नु फरमान लगे। मेरे आका फरमांदे ने अबू मूसा इंज लगदा है अल्लाह ने दाऊद दे तरनमा च तेनू कुछ तरनमता कर देने। हजरत जे कुरान इन्ना नहनु नज़ल नज़िकरा व इन्ना अलगो लहाफिज़ुन कुरान वाकई दिलां ते असर करदा है। अल्लाह दी कसम ए ते नबी पाक ते नबी पाक दे सहाबा ने अल्लाह दी कसम अज भी ऐसे लोग ने जदों कुरान पढ़ते ने लोग झूम उठदे ने। कारी अब्दुल हफीज़ फैसलाबादी रहमतुल्लाह अलैह जंग दे अंदर तकरीर कर रहे कुरान पढ़ है ना ते शिया दा जुलूस जा रहा है 10 मुहर्रम दा। कारी साहब कुरान पढ़ रहे ने ते कुरान दी आवाज इन्हां दे कन्नां च पई है। इन्हां ने जुलूस रोक दिता है। जिदों तक कारी अब्दुल हफीज़ कुरान पढ़ेगा जुलूस अगे नहीं जाएगा। अल्लाह ने बड़ियां बड़ी तशहीर रखी है इस कुरान अंदर ते वाकयातन कारी साहब ने जदों कुरान पढ़ना है दिलां ते असर ही करदियां जाना है। कारी साहब ने पढ़ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नून वल कलम वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमत रब्बिका बिमजनून। अल्लाह जिथे तेरा कारी लेटिया ओदी कबर ते करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमा। कुरान वाकिया तानी असर करदा है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफिज़ून। ओए कुरान नाल जिहड़े जुड़ जांदे ने उहनां दे दिलां ते असर ही करदा है। पिछले जुमे ना मैं रात नूं इत्थे जुमा पढ़ा गया, एक साथी ने साडे देवबंदियां दे आलमे दीन मौलाना साहिबुल्ला साहब उहनां साडी दावत कीती ते सानूं नहीं पता सी कि ते होर भी मेहमान आए ने। उत्थे आए सी मुश्ताक क्रिकेटर जेड़ा ते जुलकर नैन विकीपर ते जवाद वसीम ड्रामियां दे अंदर काम करदा रहा। असी सारे बैठे खाना खा रहे ते खाने तो बाद बहुत सारियां गल्लां होईयां ते ओ जवाद वसीम कहन लगा मौलाना मैं ड्रामे अंदर काम करदा सी ते अल्लाह ने मैनू कुरान दी समझ अता कर दिती, दीन दी समझ अता कर दिती। बहुत सारियां ऐसियां लड़कियां कहन लगे एक दिन ना मैं रूटीन बना दिती कि असी ड्रामा शुरू करने तो पहला एक आयत ते एक हदीस पढ़नी है ते एक अदाकारा मैंने कहा आज हदीस तू पढ़नी। कहन लगी वसीम साहब मैं कहन लगा मैं क्या हाँ तू पढ़नी। कहन लगा उन्हें ऐ दुपट्टा सिर ते लैके जो कहा ना काला काला रसूलुल्लाह फरमान लगे मेरी अखां च आंसू आ गए। अल्लाह की कसमत दी साहब मैं सारा दिन रोंदा रहा कि अल्लाह ने किन्नी सोहनी आवाज दिती। एदी जुबान चो कुरान ते नबी दी हदीस किन्नी सोहनी लगी है और कुरान नाल जुड़े। कहन लगे असी कुरान नु फिर आम कीता है ते अज उन्हां दी जुबान दे लफ्ज ने कहन लगे आ अदाकारा नरगस है ना जेड़ी हुण किथे वे। कहन लगे किथे असी कहा सानू की पता इन्हां दा। कहन लगे घर दे अंदर है ते मैनू एक दिन कहन लगी वसीम साहब कोई ऐसा बंदा लभो कि जेड़ा ना मेरा पिछला सारा रिकॉर्ड जेड़ा है उन्हों नेट तो खत्म कर दे। मैनू दीन दी समझ आ गई है, मैनू कुरान दी समझ आ गई। मैंने जो अपना माजी वेख दिया मेरी बच्ची ने एक दिन मेरे को सवाल किया कि अम्मी कंजरी किनू कहंदे ने।
कहन लगी उस तो बाद मेरा जिसम झंझोर दिता इस बात ने रूह झंझोर दी है मैनु कुरान दी दीन दी समझ आ गई। अल्लाह की कसम है जिन्हों कुरान दी समझ आ जाए फिर कुरान तो पिछे हटदा। अल्लाह मैनू ते तेनू कुरान दी समझ अता फरमाए। फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लन ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफिज़ून। हजरत अबू मूसा दे घरों आवाज आई है ते कुरान दी आवाज आई है। ए मंसूर आबादी आ तेरे ते मेरे घरों आवाज आवे ते कंजरां दी आवाज आवे तेरे मेरे घरों आवाज आवे गुलूकारां दी आवाजां गाणियां दी आवाजां। वा नबी दे सहाबा नबी दे घर नबी दे सहाबा दे घरों आवाज आई है अल्लाह दे कुरान दी आवाज आई है। रब दे कुरान नूं हजरत अबू मूसा अशरी ने पढ़े है। आका ने फरमाया अबू मूसा अल्लाह ने हजरत दाऊद दे तरनमा चो तेनू एक दो तरनम कुछ तरनम अता कर छड़े केड़ा कुरान। एक दिन मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका अपने घर तशरीफ फरमाने मां जी सैयदा आयशा सिद्दीका दा हुजरा पाके मेरे आका अली सलाम ने हजरत आयशा नूं आवाज दी। आयशा या आयशा ताल आयशा आयशा मेरी गल सुनना। मां जी आयशा ने थोड़ी जिनी देर ला दी है मेरे आका कोल आईया ना। मेरे आका फरमांदे ने आयशा किन्नी देर हो गई तेनू आवाज मारीए हुण आई है किन्नी देर लगा दी है। ए मेरे नबी दा घराना है मेरे नबी ने कुछ आखिया। मां जी आयशा ते सख्ती नहीं की प्यार नाल फरमान लगे आयशा किन्नी देर हो गई तेनू आवाज दी है हुण आई है। ते मां जी आयशा दा हुजरा ते मस्जिद नबवी दी दीवार सांझी सी। मां जी आयशा फरमांदियां ने सोणिया मैं तुहाडी गल सुनना आ रही सना है ते रस्ते अंदर मस्जिद दे अंदर तुहाडा कोई सियाबी कुरान पढ़न दे आए। कुरान इन्ना खूबसूरत पढ़दा है मेरे कदम रुक गए मैं आयशा कुरान सुनन लग पई आ। ते मेरे आका जल्दी नाल उठे मेरे नबी ने चादर अपने उपर लईए ते जल्दी नाल मस्जिद अंदर चले गए। मेरे आका ने जाके वेखे आए ते हजरत सालम कुरान दियां तिलावतां कर रहे ने। ते मेरे आका उत्ते खड़े हो गए आसमाना वल हाथ चुक ले फरमांदे ने अल्लाह अलहम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लाह तेरा शुक्र है तू मेरी उम्मत दे अंदर इन्नियां सोहणियां आवाजा वाले कारी पैदा कर दिते ने इन्नियां प्यारियां आवाजा वाले कुरान पढ़न वाले मैनू उम्मती अता कीते ने। साडियां ते लड़ाइयां ही नहीं मुकदियां। आ देखो जी इत्थे लिहा नाल कुरान पढ़दा है ये लिहा नाल तकरीरां करदा है। सुनो मेरे नबी पाक दी हदीस है मेरे आका अली सलाम फरमांदे ने जेड़ा बंदा सोहनी तरन्नम नाल कुरान नहीं पढ़दा फलैसा मिन्ना ओ साडे विचों ही नहीं। कुरान पढ़िया करो ते अच्छे अंदाज नाल पढ़िया करो कुरान पढ़िया करो खूबसूरत लहजियां नाल पढ़िया करो। ए कुरान दी अजमत ते शान इन्ना नहनु नज़्ज़लन ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफिज़ून। कुरान वाकियतन नहीं असर करदा है मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका ताइफ दी बस्ती दे लोगां नूं अल्लाह दी तौहीद दी दावत दे के वापस आ रहे ने। मेरे नबी नूं ताइफ वालियां पत्थर मारे मेरे नबी दा जख्मी जिसम लैके लहू लुहान जिसम है। मेरे आका इंज मक्के पहुंचे ना मक्के तो बाहर एक जगह ते मेरे आका ठहर गए। मेरे आका फरमाते ने मैं सोचिया चलो मैं रब दा कुरान ही पढ़ लेना वा जे ताइफ वाले मेरी गल नहीं मन्नी जे ताइफ वाले मैनू पत्थर मारे मैं रब दा शुक्रिया ही अदा करदा वा मैं रब दा कुरान पढ़दा वा। मेरे नबी ने नमाज नींद लई है ते पढ़ते ने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन।
अली सलाम कुरान पढ़ रहे पीछे जिन्ना दी एक जमात आके कुरान सुनन लग पई है। इना कुरान सुनिए ते अपने कबीले वालियां कोल चले गए। अल्लाह फरमांदे ने सोनिया जे ताइफ वालियां तेरी गल नहीं मन्नी, जे ताइफ वालियां तेनू पत्थर मारे ने, ते मैं जिन्ना दी जमात नू तेरा कुरान सुना छड़े आए, ते जिन्ना दी जमात ते कुरान असरेंज कीता है। फरमाया कुल ओहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुन मिनल जिन्ने फकालू इन्ना समिअना कुरानन अजबा यहदी इलर रुशदी फआमन्ना बिही वलन नुशरिका बिरब्बिना अहदा। इना कुरान सुनिए ते अपनी जमात नू अपने कबीले वालियां नू कहन लगे कुल ओहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुन मिनल जिन्ने फकालू इन्ना समिअना कुरानन अजबा। अज असी अजीब कलाम सुन के आए हैं, अज असी अजीब किताब सुन के आए हैं। कुरानन अजबा यहदी इलर रुशदी फआमन्ना बी, ते ओ किताब ऐसी है जेड़ी लोगों नू हदायत दी दावत दिंदी है। फआमन्ना बी असी ओदे नाल ईमान भी लै आए हैं, ते नाल वादा करके आए हैं। वलन नुशरिका बे रब्बिना अहदा, असी वादा कर रहे हैं कि अज दे बाद रब नाल शिरक करना, अज दे बाद रब नाल शिरक नहीं करना। जिन्ना ते कुरान असर कर गया है साढ़े ते कुरान असर करदा। असी कुरान भी पढ़ते हैं कब्रां ते सजदे भी करते हैं, असी कुरान भी पढ़ते हैं गैर अल्लाह दे नाम दे चढ़ावे भी चाड़ते हैं, असी कुरान भी पढ़ते हैं गैर अल्लाह दे नाम दियां नजरों न्याजा भी करते हैं। ओए जिन समझ गए ते ऐलान करते ने वलन शरीक बे रब्बिना अहदा, असी रब नाल शिरक नहीं करना। इन्ना नहनु नज़ल जिगरा, रब दा कुरान ते दिलां ते असर करदा है। इधर तवज्जो करना है मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर तशरीफ फरमाने नबी दे सहाबा ने कुछ कैदी काफरां दे फड़ के ते ले आंदे ने। इन्हां कैदियां नू छुड़ाण वास्ते मुतम बिन जुबैर बिन मुतम रजी अल्लाहु तआला नो अजे मुसलमान नहीं हुए, इन्हां कैदियां नू छुड़ाण वास्ते आ गए। ते जदों नबी पाक दे कोल आए ने मेरे आका कुरान दियां तिलावतां कर रहे ने, ते मेरे आका पढ़ रहे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तूर वकिताबिम मस्तूर वत्तूर वकिताबिम मस्तूर फी रक्किम मनशूर वल बैतिल मामूर والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع। कुरान सुनते जा रहे ने जुबैर बिन मुतम नाले अखां चो आंसू जारी ने, नाले थड़ थड़ कंबन लग पे ने। मेरे आका ने जुबैर वल वेख्या, ओ जुबैर जुबैर बिन मुतम खैर ते है वे? फरमाया सोनिया मैं कुरान सुनिया है ते मैनू ते अपनी आखरत की फिक्र लाहक हो गई है। सुनिया मैनू डर लगन लग पिया कि ते रब हुण ही मेरे ते अजाब ना नाजल कर दे। ओ जुबैर आया की करन? फरमाया सुनिया आया ते किसे होर काम सी। किस काम आए सी? ओ बोलो कैदियां नू छुड़ाण आए सी। सुने आया ते किसे होर काम सी, पल हुण कलमा पढ़ा लो ते मुरीद कर लो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हजरत जुबैर बिन मतम, जुबैर बिन मतम दे सीने ते कुरान ने असर कीता है, रब ने दुनिया बदल दिती है। हजरात कुरान वाकई असर करता है अगर बंदा सुने गौर नाल।
पढ़े गौर नाल तर्जमा कुरान पढ़े ना कुरान दिला यही तो यहूदो नसारा नूं डर पे है कि मुसलमान कुरान पढ़ते ने साडे यहूदी ईसाई कुरान सुन के ते मुसलमान होई जा रहे हजरात कुरान वाकई असर करता है इधर तवज्जो करना है मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका ने ऐलान नबूवत फरमाया चंद सियाबा मुसलमान होए दारे अरकम दे अंदर मेरे आका तशरीफ फरमाने इधर काफरा ने ऐलान कर दिता है कि माज़ अल्लाह जेड़ा बंदा है इस मुहम्मद नू कतल करेगा ओनू 100 ऊंट इनाम दिता जाएगा ये ऐलान सुन के हजरत उमर रज़ी अल्लाहु तआला ने तलवार निकाल लीए ते मेरे आका दी तलाश अंदर तुर पैने ते तुरिया टुरिया चौक दे अंदर मेरे नबी दा एक सहाबी मिल जांदा है कहन लगे उमर खैर किधर जा रहे हो बड़े गुस्से अंदर लग रहे हो कहन लगे अज मैं मुहम्मद नू माज़ अल्लाह छड़ना नहीं है ओदी गर्दन उतार देनी माज़ अल्लाह सहाबी है माड़ा जिन्ना है पर जज्बा बड़ा बुलांदे कहन लगे उमर उस सोने को जा रहे हैं गर्दन लैन दी बजाय किते गर्दन देना ही उमर नू बड़ा गुस्सा चढ़िया ते इधरों तलवार निकालिए सहाबी ते हमला करन वास्ते ते सहाबी रसूल ने अग्यों एक और बुगदड़ सुट दिता है कहन लगे ओए उमर मैनू मारन तो पहला अपने घर दियां खबरां ते ले लै तेरी भैन ते बहनोई भी मुसलमान हो गए हजरत उमर नू गुस्सा चढ़िया फौरन अपने बहनोई दे घर वाल चले गए दरवाजे ते गए ना अंदरों कुरान दियां आवाज़ा आ रही ने कुरान पढ़न दियां आवाज़ा है हजरत उमर ने दरवाजा खड़खड़ाया उमर दा रोब बढ़ाए भैन ने जल्दी जल्दी कुरान लुका दिता है हजरत उमर अंदर आए कहन लगे तुसी कुरान पढ़ते सोना है भैन नू भी मारना शुरू कर दिता है बहनोई नू भी मारना शुरू कर दिता है भैन अगे वध के खड़ी हो जाती है कहन लगी उमर हुण साडी जान ते जा सकती है कुरान दा साथ छड़िया जा सकदा कुरान दा साथ नहीं छड़िया जा सकदा उमर ज अपने बहनोई ते सीने ते बैठे ने ते जदों भैन ने जुमले कहना उमर नू झंझोड़ के रख दिता है ते बाबा जी शमसाम रहमतुल्ला अलैह अल्लाह जिथे ओ लेटे ने उन्हां दी कबर ते करोड़ा रहमता नादल फरमा तर्जमानी कर गए फरमांदे ने सोच के हटिया आके फातिमा भैननी सोच के हटिया आखे फातिमा भैननी ले आके सुनाते मिनू जो पढ़ते दिन रात नी पला मेरे दिल ताई आ जावे चैन नी सच मुच ना तो जख जावा पारों इनकार दी चौक मदीने वाले हजरत उमर इंज अपने बहनोई ते सीने ते बैठे ने ते भैन क्यों कहंदी है आंदी है पाक किताब कली पाक रहमान ने ए पाक किताब कली पाक रहमान ने पढ़ते भी ओही जेड़े पाक इंसान ने हाथ नहीं लाउंदे जेड़े मुशरक नादान ने उमर नू भैन अगों दब के मार दी चौक मदीने वाले ते हजरत उमर हुण अरज़ा करेंदे चल नबी दे कोल नी हुण अरज़ा करेंदे चल नबी दे कोल नी रो रो बख्शावा मैं
रो रो बख्शावा लवा रो रो बख्शा लवा जेड़े बोले मैं बोलनी पाक नबी तो वारा जान कोलनी उमर नू पैन अगों आहो पुकार दी चोक मदीने वाले हजरत उमर फरमाते ने नी फातिमा भैन ये कुरान मैनू सुना ते सही ना जिन्हें तेनू इतना बहादुर बना दिता है ते भैन फातिमा पढ़दिया ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ताहा मा अंजलना अलैकल कुरान लितशका इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा तंज़ीलम मिम्मन खलकल अर्ज वस्समावाति लौला हजरत फातिमा हजरत उमर दी भैन ने सूरह ताहा सुनाई ना ते बाबा जी फरमांदे ने ताहा दियां आयतां हजे पहलियां ही आईयां सी उमर नू फातिमा जा पढ़ के सुनाईयां सी छम छम रोंदे नाले दिंदे दुहाईयां सी हंजू नाल दाड़ी भिज गई हंजुआ नाल दाड़ी भिज गई नाल सरदार दी चोग मदीने वाले ते हजरत उमर फरमाते ने फातिमा मैनू भी उस नबी को लै जाए ते भैन क्यों आंदी है वे तू चोर सरकारी है न बेअदब रसूल दार तू चोर सरकारी है बेअदब रसूल दार दुश्मन हमेशा रे हो नबी मकबूल दार हाथ कड़ी हुंदा हुकम हाथ कड़ी हुंदा ए हुकम उदूलता मैं हाथ कड़ी लाके खड़सा ते ए बहादुर उमरे अज कुरान दा रंग चढ़े आए अज सूरह ताहा दा रंग चढ़े आए ते हजरत उमर फरमांदे ने हुण अपना ही साफा दिंदा वेख लो दलेरियां हुण अपना ही साफा दिंदा बहादुर मक्के दा कुरान सुने हुण अपना ही साफा दिंदा वेख लो दलेरियां ले फातिमा फड़ के बन ले मुश्कां तू मेरियां फातिमा ने बाहों फड़ के फातिमा ने बाहां फड़ के पीछे मरोड़ियां ते साफे ते नाल घुट के गंड मार दी चोक मदीने वाले हुण इंज कैदी बन के उमर मेरे नबी दे कोल पहुंचे है ते मेरे नबी ने इंज उमर दे सीने ते हाथ रखे है फरमाया उमर दस की लैणा है फरमाया सोनिया सोच के ते कुछ होर आया सी पर सोनिया हुण कलमा पढ़ा लो मैनू कर लो मुरीद जी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह ते मेरे आका ने अज इस कुरान ने उमर दी दुनिया बदली है ते मेरे नबी ने भी उमर नू एजाज दिता है जगां दे पीर उठ के सीने नाल ला लिया ओए जगां दे पीर उठ के सीने नाल ला लिया दुश्मन पुराने ताई मुरीद बना लिया इंज गोडे नाल गोडा ला के को
कोल बिठा लिया। उमर नू चौधर मिल गई आला मुकाम दी चौक मदीने वाले इन्ना नहनु नजल नसी कराए व इन्ना लहूला हाफिजून। एक कुरान उतारिया भी अल्लाह ने एदी हिफाजत दा जिम्मा भी अल्लाह ने लिया है। और कुरान दे मुतालिक यहूद और निसारा जो आए दिन कुरान दी तोहीन दा इर्तिकाब करदे ने। रीसेंटली स्वीडन दे अंदर जिस तरह कुरान नु जला के मुसलमाना दा दिल दुखाया गया है, हजरात कुरान ऐसी किताब है सारी कायनात मिलके भी इस कुरान नु मिटाना चाहे ते ए रब दी किताब मिट सकदी। अल्लाह ने इहदे अंदर ऐसा और कुफार में हम पूरे खुतबा जुमा दा खुलासा कि ए कुरान नु मिटाना इस वास्ते चांदे ने कि कुरान मुसलमान पढ़दे ने, मुसलमान इहदे नाल जुड़दे ने ते फिर साडे ते ग़ालिब आउंदे ने। ए कुरान सुन के यहूद तो निसारा ईसाई मुसलमान हुंदे ने। इस कुरान नु खत्म कर दिता जाए लेकिन हजरात आइए फैसलाबाद दे अंदर मिंबर ते खड़ा होके तुहानू ए गुजारिश करदा वां कि इस कुरान नाल तुसी जुड़ जाओ। कुरान दी तोहीन करन वाले अपनी मौत आप ही मर जाएंगे। कुरान पढ़ना तुसी शुरू कर दो और कुरान दी तोहीन कर दे तुसी अपने घर अंदर कुरान नू आम कर दो। मसाजिद दे अंदर मदारस दे अंदर इस कुरान नू आम कर दो। कुरान तुसी पढ़ो इंशाल्लाह इस कुरान दी बरकत नाल इस कुरान दे असर नाल अल्लाह मुसलमानां नू इज्जत ते असमत अता कर छड़ेगा। अल्लाह मैनू ते तुहानू कुरान और सुन्नत नू समझ के अमल करने दी तौफीक नसीब फरमाए। साडा ईमान है कि कुरान अजीम किताब है, सारे रल के भी यदि तोहीन करन इंशाल्लाह असी इस कुरान दे दिफा अंदर अपनी जान ते दे सकदे हां। कुरान दी बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकते। हजरात ऐसे सिलसिले अंदर आज इंशाल्लाह रहमान 2:30 बजे चौक कचहरी चौक तो इंशाल्लाह कचहरी चौक तो प्रेस क्लब तो इंशाल्लाह घंटा घर चौक तक मरकी जमीयत अहले हदीस व अहले हदीस यूथ फोरस ने एक रैली का इनकाद किया है। सानू चाहिए साडे दिल अंदर कुरान की मुहब्बत प्यार मौजूद है लेकिन इस कुरान नाल अपनी मुहब्बत का इजहार अलल ऐलान भी असी करना है। जरूर सारे साथी उस रैली के अंदर शरीक होकर कुरान नाल मुहब्बत का इजहार कीजिए। अल्लाह मैनू ते तुहानू कुरान नाल सच्ची और पक्की मुहब्बत नसीब फरमाए। व आखिर दावा अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।